इक्विटी तीन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है और बेसिकली इसमें ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। पहली बात यहां पे एक बात याद रखना है, एसआरए में जब रिलीफ मांगने के लिए आओगे तो याद रखिएगा ये आईपीसी नहीं है कि चोर बन के चोर के खिलाफ केस कर सकते हो। ओके, रिमेंबर दिस लाइन, एसआरए आईपीसी अलाउज। क्या चोर भी चोरी का इल्जाम चोर दूसरे चोर के ऊपर लगा सकता है? यस, क्योंकि राइटफुल पोजेशन उसका माना जाएगा। ये सुनो, एसआरए ऐसा नहीं करता है कि चोर चंपट सब आ जाओ और दूसरे चोर के ऊपर केस करो कि सर हम चोर है लेकिन वो भी तो शरीफ नहीं है। एसआरए इन दोनों को बाहर निकालता है, बोलता तुम आए हो? बोला सर हम आए। क्या चाहिए? रिलीफ चाहिए सर। हाँ, क्या तुम शरीफ हो? अगर वो कहता है कि नहीं सर मैं तो शरीफ नहीं, चलो निकलो। ये सुनो, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो एसआरए में अगर तुम कुछ रिलीफ मांगने के लिए आए हो तो क्लीन हैंड्स के साथ आओ। खुद ही तुमने गलती कर रखी है और एसआरए कह रहे हो कि रिलीफ दे दो, कि भाई तुम खुद फॉल्ट पे हो, अब वो फॉल्ट कर रहा है तो तुम्हें प्रॉब्लम होता है। तो इक्विटी का रूल्स याद रखिएगा कि गलत के साथ गलत करना गलत नहीं है। ओके, गांधी बाबा की थीरी साइड में रखी। तो गलत अगर कोई है तो उसके साथ अगर आप गलत कर रहे हैं, यही कह रहा है उसमें, कहते हैं तो भाई उसके साथ गलत, सर मेरे साथ गलत कर दिए, भाई तुम खुद गलत होते तेरे साथ गलत हो गए, निकलो यहां। लेकिन अगर कोई क्लीन हैंड के साथ आता है तो एसआरए उसको सपोर्ट करता है, इक्विटी उसे सपोर्ट करता है। दूसरा, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। ओके, पहली बात कि अगर आपने इक्विटी सीख कर रहे हो तो आपको भी इक्विटी करना होगा। तो आपको भी कहा जा सकता है ठीक है ये चीज वो करेगा लेकिन आप ये करेंगे, नहीं नहीं सर मैं ये नहीं करूंगा। अरे क्यों नहीं करोगे भाई? सो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो अगर आप इक्विटी सीख कर रहे हो तो आपको भी इक्विटी करने की आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एंड थर्ड, डिले डिफीट्स इक्विटी। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अक्सर आप लोग समझेंगे कि कहते हैं ना एक लाइन थी एक की भाई, जब डिले डिफीट्स इक्विटी, अगर ज्यादा देर हो जाए किसी भी चीज को प्रोवाइड करने में तो रिमेंबर दिस लाइन, वो इक्विटी को डिफीट कर देता है। सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ अ विलेज, अ गर्ल जंप्ड, एक लड़की जो है वो कुएं में गिर गई और कुआं जो था वो काफी दूर था। डिले डिफीट्स इक्विटी को याद रखना, मेरा कोई भी जोक बिना लॉ का नहीं होता। तो एक कुएं में वो गिर गई, कुआं काफी दूर था तो बहुत देर तक चीखती रही बचाओ बचाओ बचाओ, एंड दिस वॉज अ रियल इंसिडेंट। ओके, तो बचाओ 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 वो चीखती रही, कोई आए नहीं, अब उतनी दूर तक कौन सुनाई दे। काफी देर के बाद कुछ लोग वहां पे पहुंचे तो देखा कि भाई एक लड़की कुएं में गिरी हुई, तो उन्होंने रस्सी फेंका और बोला पकड़ लो। तो उसने कहा अब क्या फायदा, इतने देर से चिल्ला रही हूं कोई आया ही नहीं, अब मैं जीना ही नहीं चाहती। क्योंकि वो डिले डिफीट्स द इक्विटी के प्रिंसिपल पे चल रही थी कि एक सही टाइम तक अगर वो चीजें ना मिले तो बाद में तुम्हें मिलने का। इसलिए कहते हैं यंग एज में पैसा कमाओ। ओके, बुढ़ापे में जाके पैसा कमा रहे हो, 70 के एज में 700 करोड़ का मालिक, रोटी ले आओ। गेटिंग द पॉइंट? अरे भाई तू कमा के भी क्या कर लेगा ये। तो इसलिए कहते हैं ना कि सक्सेस यंग एज में ही शोभा देता है, बुढ़ापे में जाके सक्सेस। ओके, जब तैयारी करता रहा जुडिशरी का, लोअर नहीं निकला कोई बात नहीं हम हायर देंगे, हायर निकाला जाके 45 में निकाल लिए। ओके, 45 में अगर मैं हायर निकाल के तुम लोगों के सामने आऊं तो कौन जो है शॉक हो गए। मतलब इससे अच्छा नहीं निकालते, सही तो चल रहा था, कैरेट लॉस एकेडमी का निकाल ली। ये सुनो, यू हैव द वेरी क्लैरिटी। तो कहते हैं कि अगर किसी मैटर पे अगर इक्विटी में डिले हो जाए तो सिक्योरिटी का कोई यूज नहीं रह जाता। ओके, तो जब भूख लगी थी उस टाइम आपने रोटी दिया ही नहीं, 3-4 दिन के बाद आके कह रहे हो अरे रोटी लाया था तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट से, बोलो तो मर गए। रिमेंबर दिस लाइन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एक सही टाइम पे आपको रेमेडी उसको प्रोवाइड करना होगा, तभी आप इक्विटी मेंटेन कर पाएंगे। सो मेक द पॉइंट वेरी क्लियर इन योर माइंड दैट देयर मस्ट बी अ राइट टाइम। अरे सिंपल सर, लैचेस जानते हो, डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस पता है? सो इनका एक जवाब है कि सर लिमिटेशन एक्ट में हमने एक जगह पे पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस। लैचेस क्या होता है बच्चों? रिट पिटीशन पे आप लिमिटेशन नहीं लगा सकते लेकिन रिट्स पे लैचेस लगता है। लैचेस क्या होता है कि अगर अनरीजनेबल डिले है, एक डेलिबरेट डिले है, तो फिर उस कंडीशन में जो है कोर्ट आपको बार कर सकती है उस केस को एंटरटेन करने से। तो याद रखिएगा यहां पे भी रीजनेबिलिटी, मैंने यही 2-4 शब्द दिए हैं तुम्हें एसआरए के, इसी के आसपास घूमते रहना। पहला वर्ड है एसआरए का जिसके आसपास घूमना है उसका नाम है जस्टिस। नहीं कुछ समझ में आओ तो बोल दो एसआरए में कि ये क्या होता है जस्टिस। तो 2-4 शब्द जानो एसआरए के, जस्टिस, दूसरा फेयरनेस, तीसरा रीजनेबलनेस, ओके इक्विटी, गुड कंसाइंस, ये सब इसके जनरल प्रिंसिपल है। तो भाई कहता है डिले डिफीट्स इक्विटी। तो लेचेस का डॉक्ट्राइन ये था कि अगर आप देर आते हो, अनरीजनेबली डिले कर रहे हो, तो कोर्ट आपको रोक सकता है, बार लगा सकता है।
सेकेंड वाले सिचुएशन में कहता है ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। ओके भाई, अगर आप इक्विटी सीख कर रहे हो कोर्ट से भी सर मुझे इक्विटेबल रिलीफ चाहिए, तो आपको भी एक इक्विटी करने के लिए तैयार होना चाहिए कि ठीक है सर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी चीजें हैं ओके वो मैंने किया है और करने के लिए तैयार। ऐसा नहीं कह सकते कि मैं इक्विटी खुद नहीं करूंगा और मुझे इक्विटी रिलीफ दे दो। यू वॉन्ट द रिलीफ बट यू डोंट वॉन्ट टू परफॉर्म योर पार्ट। हाँ सर इससे पैसा दिला दो लेकिन 25,000 तुम दोगे? नहीं वो नहीं दूंगा। ओके भाई, आप अगर इक्विटी सीख कर रहे हैं तो यू शुड बी रेडी। ओके उसी तरीके से क्लीन हैंड्स के साथ पहुंचो। आप रॉन्ग करके पहुंचोगे तो फिर इट विल नॉट बी अलाउड। ओके सो टेक केयर ऑफ द लाइन।